मेरा का घर भाला तुलसी का। उसी पेड़ के बीच में बत्ती उत्ती जलाया होता है, और बत्ती जलाने के राउंड ही हम लोग घूमे करते थे। तो सभी का नमस्कार। और आज है गाइस दिवाली, और दिवाली में हम लोग घर में होते तो बहुत सारा एंजॉय करते थे, और बहुत सारा बम बम पटाखा उटा फोड़ते थे। और रात को हम लोग, रात हो दिन हो, लेकिन हम लोग नाचने के लिए जाते थे घर घर। और नाचने के लिए जाने समय में जो गाना गाते थे, वही गाना आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को गा के सुनाने वाला हूँ। और घर का याद आ रहा है और गांव का याद आ रहा है। तो घर में होते तो हम लोग सभी मिल के, गाँव वाले जितना भी है सभी मिल के जाते थे नाचने के लिए और गाने के लिए। हम लोग का उधर, हमारा गांव में जो है, हम लोग दो भाषा से हम लोग जो है गाना गाने के लिए, और जो दिवाली के दिन हम लोग जो घर घर में जाके जो चंदा उठाते हैं उसको हम लोग दो भाषा से गाते थे। एक है नेपाली भाषा में जाते थे, वो जो बोलता है, देवसी नेपाली से जो बोलता है वो देवसी बोलते हैं। हम लोग देवसी खेलने भी जाते थे और ओहिरे नाचने के लिए भी जाते हैं। तो हमारा जो आदिवासी लोग हैं वो ओहिरे नाचने के लिए जाते हैं और ओहिरे खेलने के लिए जाते हैं। हम लोग ऐसे आम भाषा में हम लोग ओहिरे खेलने जाते हैं बोलते हैं, और देवसी खेलने के लिए जाते हैं ऐसे बोलते हैं। तो वही है, आज मुझे याद आ गया, और वही गाना थोड़ा सा गाने वाला हूँ। जो आदिवासी हम लोग गांव में जो गाते थे ओहिरे, तो वही गाने वाला हूँ। और कुछ भूलभांति हो गया तो आप लोग क्षमा क्षमा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो दिवाली के स्पेशल, और हमारा जो ओहिरे है वो गाने के लिए ट्राई करते हैं। कैसा होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस तरह टाइम टाइम में हम लोग इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। और चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो गाना है गाइस वो थोड़ा ओहिरे पहले गाते हैं, उसके बाद जो नेपाली का है जो देवसी है। हम लोग जब छोटे थे तो मेरा दोस्त के साथ, मेरा दो तीन चार दोस्त के साथ हम लोग जाते थे। और दिवाली वाली मतलब दिवाली में जो देवसी है ना, कैसे इतना मजा आता था, इतना मजा आता था कि मत ही बोलो कितना मजा आता था। हम लोग वहां पर जाते थे नाचने के लिए, नाचने के लिए तो नहीं, मतलब जब देवसी खेलने जाते थे तब तो पूरा दो हमारा जो घर के जो आंगन होता है, जो घर के आंगन आंगन में दो केला का पेड़ लगाया होता है, छोटा पेड़। तो उसी पेड़ के बीच में बत्ती उत्ती जलाया होता है, और बत्ती जलाने के राउंड ही हम लोग घूमे करते थे। वो जो देवसी खेलते थे उसी के बहुत स्पीड घूमते थे, और मतलब किसी किसी को तो चक्कर भी आ जाता था। जिसके घर पर भी जाते थे तो वहाँ का बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग लोग रहता था वही बोलते थे कि इतना स्पीड मारो, घूमो धीरे धीरे, घूमो आराम से करो। तो हम लोग जब तक वो लोग नहीं उठ जाते थे तब तक हल्ला करके देवसी करते थे। वो लोग जब उठ जाता था तब थोड़ा देर देवसी उसी करके आशीर्वाद उशीर्वाद दे के थोड़ा सा चंदा देते थे, वो लेके हम लोग निकल जाते थे दूसरे घर के लिए। या ज्यादा रात हो गया था घर तक आ जाते थे। तो चलिए आज का जो अहिरे संग है वो थोड़ा सा गाते हैं और आप लोग को मनोरंजन करते हैं। तो बने रहिए हमारा वीडियो पे आज से लेकर लास्ट तक। और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए आज का जो ओहिरे संग है उसी को हम लोग शुरू करते हैं, और भूलभांति हो गया तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा, कुछ मत बोलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अहिरे खोजो खोजो ते आइली, पूछो पूछो ते आइली बाबू हो, अहिरा का घर कति दूरा हो। अहिरे खोजो खोजो ते आइली, पूछो पूछो ते आइली बाबू हो, अहिरा का घर कति दूर।
अहिरा का घर भाला तुलसी का पीड़ा हो, ऊपरे जे उड़े राजा सा हो। नमस्कार, आप लोग को कैसा लगा? जो हमारा वही संग है, वो अभी हम लोग गांव में होते तो बहुत एंजॉय करते हैं, और रात भर इसी गाने में और ढोल वोल लेके, ढोल ताल ढाक सब लेके नाचते होते थे, तो बहुत मजा होता था गांव में जब थे। अभी हम लोग बाहर हैं तो इसीलिए थोड़ा सा इसी वीडियो का मजा ले रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ा दिखा रहे हैं। तो कौन कौन गांव से बाहर है वो लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को गांव का याद आ रहा है कि नहीं दिवाली में। और तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग जो ढेसी खेलने जाते थे जब छोटे थे हम लोग, हमारा दोस्त लोग के साथ जाते थे, तो बहुत याद आ रहा है। हमारा जो दोस्त लोग था, वो जो जो मेरा दोस्त लोग जो जो वीडियो देखेगा वो लोग को जरूर मालूम चल जाएगा, क्योंकि मैं जब भी मैं ढेसी खेलने जाता था मैं पीछे रहता था, मेरा जो सीनियर था, हमारा जो मेरा दोस्त था, वो मतलब नेपाली से बोलता है भटियाता है बोलते, वो तो वो भटियाता था, हम लोग उसको पकड़ के मतलब गाते जाते थे। तो आज मैं हम लोग सिर्फ देवसी देवसी बोलते थे, देवसी रे बोलते थे, लेकिन बाकी सब वही करता था। तो आज मैं देवसी रे बोलने के वो मतलब भटियाने वाला हूँ, और हमारा जो रीता है वो देवसी रे बोलने वाला है। तो चलिए आज का जो नेपाली का देवसी हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो था वो शुरू करते हैं, और बाहर का भी बहुत नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बम, अरे बम का तो पूरा धमाका चल रहा है बाहर, इतना भी धमाका मतलब फटाफट पूरा फूट रहा है। तो आज हम लोग उसी गाने को शुरू करते हैं जो हम लोग छोटे टाइम में गाते थे, और अभी मेरे को बहुत दिन के बाद मुझे याद आ गया तो मैं आज गाने वाला हूँ। तो रीता हंसना मत, ठीक है? अभी मेरे साथ रीता है और रीता मेरे को साथ देगा, तो शुरू करते हैं। और भूल बनती कुछ हो गया तो हमारा जो दाजू भाई दीदी बहनी जितने भी है सभी को प्रणाम करते हैं और माफी कर दीजिएगा कुछ गलती हो गया तो। ए झिली मिली एक सिरे एक को झिली मिली, ए फूल को झिली मिली, ए बाती को झिली मिली, ए भन भन भाई हो, ए रामरी भन, ए बारी में अदुआ, ए हमरो साथी पदुआ, ए छाना माथी कुबिंडो, ए हमरो साथी उबिंडो, ए कल को तुम्बा पाल भाई जम्मा। तो आज का इतना ही था गाइस, भूल गया बहुत दिन हो गया तो थोड़ा सा याद आया था तो यही मैं बोल दिया गाइस, और कुछ भूल भ्रांति हुआ तो क्षमा कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग का हर कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का हमारा वीडियो देखते रहिएगा और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए कोशिश करूंगा। और गाइस बहुत दिन हो गया तो हम लोग देवसी उसी खेलने नहीं गया थे इसीलिए याद नहीं है, बहुत भूल गया, और कुछ भूल बनती हो गया तो क्षमा कीजिएगा। हम लोग तब छोटे थे, सही गा रहे थे या गलत गा रहे थे वो तो हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग गा तो रहे थे दोस्तों के लिए, दोस्तों के साथ जाके गा रहे थे। और जितना भी है हमारा गांव में सभी के घर जाते थे, और उधर चांदा वंदा भी बहुत अच्छा से देता था। तो सभी को हमारे तरफ से दिवाली का बहुत सारा शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। तो आज जो हम लोग ने गाना मिलके जो गाए हैं, गाना हो या दिवाली का जो संग है, हम लोग दिवाली में जो एंजॉय करते थे वो छोटे जब थे तब जाके घर घर में चंदा उठाते थे और गाते होते थे, तो कुछ गलती उलती होने से भी हमारा जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग माफ कर देते थे। अभी लेकिन मैं जो वीडियो बनाया है गाया है उसमें कुछ गलती हुआ तो सब लोग मुझके भर भर के गाली देने वाला है, तो अगर कुछ गलती हो गया तो क्षमा क्षमा चाहते हैं, माफी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।